प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करे। मेरे प्रियो, आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 37 वचन नंबर 7 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरे से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना चाहिए। हमें ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहना चाहिए। हमें गुप्त धन की तरह परमेश्वर को खोजते रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो उससे बुराई ही निकलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अपने क्रोध को तू अपने से दूर कर और अपनी जल जलाहट को छोड़ दे, क्योंकि जो बुरे लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, ये सारे काम वो करते हैं और वो काट डाले जाएंगे। अंत में परमेश्वर कहते हैं कि ये जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो मनुष्य परमेश्वर के भय के अंदर रहते हैं, ऐसे लोग ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के राज्य की खोज करते रहिए और परमेश्वर की बाट जोते रहिए, ता जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार पृथ्वी के अधिकारी बन सकें। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।